हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग बात करेंगे क्लास 10 साइंस में चैप्टर 3 की, जो कि है आपका मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। तो सबसे पहले हम बात करते हैं मेटल्स की। तो कोई भी ऐसा एलिमेंट जो इलेक्ट्रॉन लूज कर सके और इलेक्ट्रॉन लूज करने के बाद वो पॉजिटिवली चार्ज हो जाए, उसको हम मेटल बोलते हैं। ठीक, तो इसको हम इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं, दोज एलिमेंट विच फॉर्म पॉजिटिव आयंस बाय लूजिंग इलेक्ट्रॉन्स आर कॉल्ड मेटल्स। ठीक है, और इसके एग्जाम्पल के लिए अगर हम देखें तो आयरन, कॉपर, सोडियम एक्सेट्रा जो है इसके एग्जाम्पल्स हैं। ठीक, तो अब बात करते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स की। तो जो इसमें सबसे पहली प्रॉपर्टी होती है इसकी, वो होती है मेलिएबिलिटी। तो अगर हम किसी भी मेटल को बीट करने पे उसको थिन शीट्स में कन्वर्ट कर पाए तो उसको हम मेलिएबल बोलते हैं। ठीक है, और इस प्रॉपर्टी को हम मेलिएबिलिटी बोलते हैं। ठीक, तो इसको अगर हम डिफाइन करना चाहें तो इसको हम इस टाइप से डिफाइन कर सकते हैं, इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल ड्यू टू विच इट कैन बी बीटन इनटू थिन शीट्स। ठीक है, तो जो सबसे ज्यादा मेलिएबल मेटल्स है हमारे पास वो है गोल्ड और सिल्वर। ठीक, तो गोल्ड एंड सिल्वर आर द मोस्ट मेलिएबल मेटल्स। तो अब बात करते हैं मेटल्स की नेक्स्ट प्रॉपर्टी की, जो की होती है डक्टिलिटी। तो अगर हम किसी भी मेटल को बीट करें और इतना बीट करें कि वो थिन वायर्स में कन्वर्ट हो जाए तो हम ऐसे एलिमेंट्स को मेटल बोलते हैं। ठीक है, और जो ये प्रॉपर्टी है उसको हम डक्टिलिटी बोलते हैं। ठीक, तो इसको हम इस टाइप से डिफाइन कर सकते हैं, इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल्स ड्यू टू विच अ मेटल कैन बी ड्रॉन इनटू वायर। ठीक है, और जो गोल्ड होता है हमारा वो सबसे ज्यादा डक्टाइल मेटल होता है, तो गोल्ड इज द मोस्ट डक्टाइल मेटल। तो अब बात करते हैं हम मेटल्स की नेक्स्ट प्रॉपर्टी की, जो है मेटलिक लस्टर। तो जो मेटल्स होते हैं जब वो अपनी प्योर स्टेट में होते हैं तो जो उनकी सरफेस होती है वो बहुत ज्यादा शाइन करती है, तो इसी प्रॉपर्टी को हम कहते हैं मेटलिक लस्टर। ठीक है, तो इसको हम इस टाइप से डिफाइन कर सकते हैं, मेटल्स इन देयर प्योर स्टेट हैव ब्राइट शाइनिंग सरफेस, दिस प्रॉपर्टी ऑफ मेटल इज कॉल्ड मेटलिक लस्टर। और अगर हम इसके एग्जाम्पल देखें तो गोल्ड एंड सिल्वर जो है वो सबसे ज्यादा लस्टरस मेटल्स है। तो अगर बात करें मेटल्स की, तो मेटल्स में गोल्ड एंड सिल्वर जो है वो सबसे ज्यादा मेटलिक लस्टर वाले मेटल्स हैं। ठीक, तो गोल्ड एंड सिल्वर आर मोस्ट लस्टरस मेटल्स। तो अब बात करते हैं मेटल्स की नेक्स्ट प्रॉपर्टी की, जो कि है इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। ठीक है, तो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी क्या होता है कि किसी भी एलिमेंट के थ्रू अगर करंट पास कर जाए तो उसको हम कहते हैं कि वो इलेक्ट्रिकली कंडक्टिव है। ठीक है, तो अगर बात करें यहाँ पे मेटल्स की, तो मेटल्स जब अपने सॉलिड स्टेट में होते हैं तो लगभग हर मेटल के थ्रू करंट आसानी से पास कर जाता है, तो इसलिए हम कहेंगे कि जो मेटल्स होते हैं अपने सॉलिड स्टेट में वो इलेक्ट्रिकली कंडक्टिव होते हैं। ठीक, तो बात करें अगर इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी की, तो मोस्ट ऑफ द मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन सॉलिड स्टेट। तो सॉलिड स्टेट में ज्यादातर मेटल्स जो होते हैं वो अच्छे इलेक्ट्रिकल कंडक्टर होते हैं। ठीक, अब अगर अच्छे इलेक्ट्रिकल कंडक्टर की बात करें तो सिल्वर हो गया, कॉपर हो गया, ये सब बेस्ट इलेक्ट्रिक कंडक्टर्स हो गए। ठीक है, या हम ये कह सकते हैं कि उनकी जो इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी होती है वो सबसे ज्यादा होती है। तो बात करते हैं मेटल्स की नेक्स्ट प्रॉपर्टी की, जो है उसका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट। तो जो मेटल्स होते हैं उनका जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होता है वो बहुत ही हाई होता है, यानी वो बहुत हाई टेम्परेचर पे बॉइल होते हैं और हाई टेम्परेचर पे ही मेल्ट होते हैं। तो अगर हम बात करें तो हम उसको ऐसे कह सकते हैं कि मेटल्स हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, और इसमें जो टंगस्टन मेटल होता है उसका हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट होता है, और गैलियम और सीजियम जो होता है इनका सबसे कम मेल्टिंग पॉइंट होता है। तो टंगस्टन हैज हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट, वेयर एज गैलियम एंड सीजियम हैज लोएस्ट मेल्टिंग पॉइंट्स। तो बात करते हैं मेटल्स की नेक्स्ट प्रॉपर्टी की, जिसको हम सोनोरिटी बोलते हैं। तो सोनोरिटी क्या होता है कि जब भी हम किसी मेटल को किसी स्टिक से बीट करेंगे तो उसको बीट करने पे एक रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस होगी। ठीक है, तो मेटल्स में ही ये क्वालिटी होती है कि उनको बीट करने पे रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस होती है, और इस क्वालिटी या इस फिनोमिना को हम सोनोरिटी बोलते हैं। ठीक है, और हम कहेंगे कि वो मेटल जो है वो सोनोरस है। ठीक, तो इसको हम इस टाइप से कह सकते हैं, द मेटल्स दैट प्रोड्यूस अ साउंड ऑन स्ट्राइकिंग अ हार्ड सरफेस आर सेड टू बी सोनोरस। ठीक, तो बात करते हैं मेटल्स की नेक्स्ट प्रॉपर्टी की, जिसको हम कहते हैं कंडक्टर ऑफ हीट। तो कंडक्टर ऑफ हीट होता क्या है, पहले हम उसको समझते हैं। तो अगर किसी भी एलिमेंट में आसानी से हीट ट्रेवल कर जाए तो उसको हम कहते हैं कि वो अच्छा कंडक्टर है हीट का। ठीक है, या कंडक्टर ऑफ हीट बोलते हैं उसको। ठीक, तो जो मेटल्स होते हैं वो जनरली गुड कंडक्टर ऑफ हीट होते हैं, कुछ ही ऐसे मेटल्स हैं जो अच्छे कंडक्टर नहीं होते हैं। तो हम कह सकते हैं कि जनरली मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एक्सेप्ट लीड एंड मर्करी विच आर पुअर कंडक्टर ऑफ हीट।
तो अगर हम कॉपर और सिल्वर की बात करें तो ये बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट है, तो कॉपर एंड सिल्वर आर बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट। तो बात करते हैं मेटल्स की एक और प्रॉपर्टी की, जो है हार्डनेस। तो जो मेटल होते हैं वो जनरली बहुत हार्ड होते हैं, यानी जो उनकी सरफेस होती है वो बहुत ज्यादा हार्ड होती है। इसका मतलब उनके अंदर जो पार्टिकल्स होते हैं वो बहुत ही टाइटली पैक्ड होते हैं, जिस वजह से उसकी सरफेस जो होती है बहुत हार्ड होती है, यानी वो आसानी से उसकी सरफेस टूटेगी नहीं। तो मेटल्स जनरली जो होते हैं हार्ड होते हैं, पर कुछ ऐसे मेटल्स भी हैं जो उतने हार्ड नहीं होते हैं और उनको हम आसानी से कट भी कर सकते हैं। तो हम कह सकते हैं कि मेटल्स आर जनरली हार्ड एक्सेप्ट सोडियम एंड पोटेशियम विच आर सॉफ्ट एंड कैन बी कट इजिली। ठीक है, तो सोडियम और पोटेशियम ही ऐसे मेटल्स हैं जो कि बहुत सॉफ्ट होते हैं और उनको हम आसानी से काट सकते हैं। ठीक, तो आज हमने जो टॉपिक डिस्कस किया मेटल्स और नॉन मेटल्स में, वो हमने डिस्कस किया मेटल्स और उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज। तो अब हम मेटल की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग और उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज के हिसाब से मेटल को आसानी से पहचान सकते हैं। ठीक है, उसको हम डिफाइन भी कर पाएंगे आसानी से, और अगर हम चीजों को देखें तो देख के हम उसको एनालाइज करके पता कर सकते हैं कि वो मेटल है या नहीं है। ठीक है, तो बस आज के लिए इतना ही। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये पसंद आया तो इसको लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब भी करें। कीप सपोर्टिंग एंड थैंक यू सो मच।